इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला कि हुंड्स रूल क्या है, हुंड का नियम क्या है। एक्चुअली ये जो रूल होता है ये पूरा होता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का बहुलता का नियम कहते हैं इसको। और मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी निकलती है 2s+1। अभी मैं इस रूल पे आऊंगा। मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला है 2s+1, और जहां पे s इज इक्वल टू होता है आपका n/2, और n बराबर होता है आपका क्या, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग कि जहां पे आपका मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, दैट विल स्टेबल कॉन्फिगरेशन। वो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा। बात समझ में आई? हमने कहा कि जिस कॉन्फिगरेशन में मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अधिकतम आएगी वो क्या होगा, आपका स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा। किसके अनुसार? हुंड के अनुसार। सपोज मैं D5 का एक केस ले रहा हूँ। D5 डिस्कस कर रहे हैं कि D में 5 इलेक्ट्रॉन है। आपने D के 5 खाने बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 खाने बनाए, और आपने क्या किया कि पहले के 2 में 2 पेयर कर दिए, और इसके बाद आपने यहाँ पे 1 कर दिया। एक पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या है, आपने क्या किया, 1 में 2 रख दिए और फिर 1 और 1 रख दिए। दूसरी सिचुएशन ये है। और तीसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, पांचों में हमने एक इलेक्ट्रॉन आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये भी D5 का केस है, ये भी D5 का केस है, और D5 का केस है। हमने 3 अरेंजमेंट कर रखे हैं। इन और भी पॉसिबिलिटीज हैं। इन अरेंजमेंट में स्टेबल कॉन्फिगरेशन कौन सा होगा वो डिस्कस करना है हमने। यहाँ पे देखिए आप, n का वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 1 है, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 1/2 और +1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिसिटी कम्स हियर 1। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई आपकी, 1 और 1 मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2, सॉरी मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी आई, 2। इस कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर कितने, 1, 2, n का मान कितना है, 2, तो s का मान कितना हो गया, 2/2 = 1। तो 2s+1 निकाल सकता हूँ मैं, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ, 2 × 1+1 = 3, मल्टीप्लिसिटी कम्स आउट टू बी 3। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 2 थी, मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे तो n का मान कितना है, 5 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, तो s का मान कितना हो जाएगा, 5/2, s का मान 5/2 हो जाएगा, और 2s+1 कितना हो जाएगा मेरा, 2 × 5/2 + 1 = 6, मल्टीप्लिसिटी कम्स आउट टू बी 6 इस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए D5 के 3 अरेंजमेंट हमने पॉसिबल बनाए, पॉसिबली और भी अरेंजमेंट बन सकते हैं, उनमें से एक में मल्टीप्लिसिटी 2 आई, एक में मल्टीप्लिसिटी 3 आई, और एक में मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी आई, 6 आई। तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। तो इसी को क्या, ये इस वाली कॉन्फ़िगरेशन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही, 6, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और आपका सही कॉन्फ़िगरेशन है। किसके अकॉर्डिंग, हुंड के अकॉर्डिंग। तो एक तरीके से हमने ये कहा कि दैट कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विच हैज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दिस रूल इज हुंड्स रूल। तो पहली बात। दूसरी बात, आपका मल्टीप्लिसिटी हम कहते हैं कि पेयरिंग, हुंड कहता है कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब तक सभी अवेलेबल और सब सेल्स में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस अंटिल देयर इज सिंगली फिल्ड अवेलेबल सबसेल। मतलब क्या है, पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब आपकी सब अवेलेबल ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए।